काफ़ी दिनों के बाद मैं अभी एक छोटी सी ट्रिप पर निकल के आया हूँ और मैं इस वक्त जा रहा हूँ माजुली। और इस बार मेरा साथी कोई डोमिनार या स्प्लेंडर नहीं है, इस बार मेरा साथी ये है, मेरा प्यारा सा छोटा सा नॉर्मल सा विदाउट गियर वाला साइकिल। तो सोचा घर से थोड़ी दूर माजुली आइलैंड है तो वहाँ पे आज बिहू है, हम लोग का आसामिस न्यू ईयर है, तो आज मैं लगभग आधे रास्ते आ गया हूँ और सोचा कि थोड़ा माजुली, और माजुली फेमस है आसाम के कल्चर और ट्रेडिशन को लेकर, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। आपने इस बार सुना होगा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कल 13 तारीख को, आज 14 तारीख है, आज से बिहू शुरू हो गया है। तो निकल रहा हूँ माजुली की ओर, बने रहिए मेरे साथ और दिखाता हूँ आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें माजुली में काफ़ी। और प्लीज़ बताइए यार मेरा ये नया लुक कैसा है, मैं अभी जा रहा हूँ तो लोग घूर घूर के देख रहे हैं यार मुझे ब्लॉगिंग करते हुए काफ़ी। अगर आप फर्स्ट टाइम ब्लॉगर करते हो, मैं भी फर्स्ट टाइम ही हूँ, का ज़्यादा वीडियोस बनाए नहीं मैंने, अभी भी वो अनकम्फर्टेबल है यार। थोड़ा सा स्पीड जा रहा हूँ, जल्दी पहुँचना है, काफ़ी लेट हो चुका है क्योंकि सुबह प्लानिंग था कि 6 बजे निकलूँ, बट निकलते निकलते सुबह के 8 बज गए। ब्रेकफास्ट वगैरह करके आओ, मेरे पीछे में ये बैग है, ये बैग में मेरा कैमरा एक्सेसरीज वगैरह, छोटा सा कैमरा है DSLR, इसको मैंने आगे लटका दिया, ये मेरा फ़ोन है, पीछे मेरे कपड़े और GoPro का बॉक्स और चार्जर वगैरह है। तो थोड़ा सा भारी है, एक वाटर बॉटल भी है। तो चल रहा हूँ लगभग, और मुझे शायद आधा घंटा लग जाएगा घाट तक पहुँचने में, और वहाँ से मुझे फेरी मिल जाएगा, फेरी ज़्यादा दूर है नहीं, आधा घंटा लगता है, कभी कभी 15-20 मिनट में भी पहुँचा दिया जाता है। तो उसके बाद मैं पहुँचाऊँगा माजुली, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस बार मैं साइकिल से ट्रिप करके आऊँगी, मेरा फर्स्ट टाइम है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ घाट की तरफ, और मुझे यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर अभी जो ब्रिज बना रहा है उसका पोस्ट दिखाई देने लग गया यार, क्या स्पीड में काम हो रहा है यार, यहाँ तक बन गया, ज़्यादा दिन दूर नहीं है और अभी नाव चलना बंद हो जाएगा, सब लोग यहाँ पे। बस कार या बाइक पे जाएंगे यार, लोग घूर घूर के देख रहे थे इसलिए मैं वीडियो थोड़ा सा रुक गया था यार, बहुत अजीब लगता है लोग ऐसे देखने से। तो ये देखिए ये बड़े बड़े जो आपको दिखाई दे रहे, ये बड़े बड़े जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब ब्रिज बना रहे हैं। पहुंच गए घाट, पहुंच गया यार, चला गया नाव चला गया, नहीं आ रहा है, पता नहीं चला यार, हाँ नहीं गया यार, बच गया। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, पहुंच गया मैं धुनागुड़ी घाट, और अभी मैं नाव से जाऊंगा माजुली और माजुली को एक्सप्लोर करेंगे दबा के। मुझे एक्चुअली थकान तो हो नहीं रहा, लेकिन पिछवाड़ा बहुत भयानक तरीके से दर्द हो रहा है यार, क्योंकि सीट मेरा कंफर्टेबल है नहीं, एक कुशन लगा लेना चाहिए था, वो मेरा सीट जो चोरी हो गया,
तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यार। और अभी थोड़ा जाके वहाँ पे रेस्ट वेस्ट करके पानी वानी पीऊँगा। तो शायद यहीं से उतरना पड़ेगा। एक्चुअली घाट में इस पॉइंट पे मैं पहले नहीं चला, पता नहीं चल रहा, पता नहीं यहाँ गाड़ी कैसे उतरेगा, शायद आगे से रास्ता होगा। यस यस, तो मैं अभी धीरे धीरे उतरने की कोशिश करता हूँ। पहुंच गए यार, पहुंच गए घाट पे। पहला मिशन कंप्लीट हो गया। अभी अच्छे से पानी पीऊँगा। खाने के लिए कुछ नहीं लाया यार, यहाँ दुकान वगैरह भी है नहीं शायद, देखते हैं अभी। ठीक है जवा भाई, लॉक पाम मैं पहुंच गया यार माजुली। और अभी निकल रहा हूँ घाट से, थोड़ा पानी वानी भर लिए। मेरे बॉटल में आइस अभी भी था, एक्चुअली मैंने वो कांचा वाला डिकैथलॉन से लिया था। पानी ठंडा रहेगा, जो गर्म पानी गर्म रहेगा। उसमें मैंने नॉर्मल पानी डाल दिया, पूरा बर्फ़ हो गया फिर से, मतलब आइस वाटर हो गया। तो उसको थोड़ी आगे जाके पीऊँगा, अभी मज़ा आएगा। और प्लास्टिक बॉटल को मैंने वही रख दिया यार, मुझे अच्छा नहीं लगता प्लास्टिक बॉटल यूज़ करना, बट यहाँ पे वैसे कोई पानी था नहीं। और इस साइड का पानी थोड़ा सा गंदा है, मतलब आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो हर किसी जगह पर आप पानी पी नहीं सकते। तो इसलिए आपको थोड़ा देखकर पानी पीना चाहिए। बट चलो कोई नहीं, मुसीबत के वक्त अगर आप इमरजेंसी में यूज़ कर लो तो कोई बुरा बात नहीं है। और अभी इन्हीं कच्चे रास्तों से मैं चल रहा हूँ यार। मैं देखिए यार, क्या मस्त शांति है। और यहाँ मैं थोड़ा सा हल्का हो लेता हूँ यार। तो पहुँच गए यार माजुली, और ये मस्त वाला रास्ता है सीधा। अभी से पहले थोड़ा बहुत ज़्यादा धूल भरी एक रास्ता था, मतलब घाट से इस रास्ते तक आने तक। तो वहाँ पे यार ब्लॉग नहीं किया पूरा, मतलब साइकिल एक हाथ से चलाने का मतलब चांस ही नहीं है, इतना खतरनाक रास्ता था यार। मतलब बाइक वगैरह के लिए तो ठीक है, बट साइकिल छोटा चक्का होने की वजह से वो मिट्टी में फंस जाता है यार। तो अभी चलते हैं जितना जल्दी हो सके। मुझे बहुत काफ़ी ज़ोर से भूख लगा है, सुबह 2 पैकेट मैगी खा के आया और अंडा भी खाया था, बट साइकिल चला रहा यार, भूख तो लगेगा ही। प्यास तो भयंकर वाला लगा है, पानी पिया भी है फिर भी अभी फिर से लग गया। तो आगे एक होटल ढूंढ के कुछ खा लेता हूँ, वहीं रुकूँगा, और तब तक के लिए चलते रहता हूँ।
ये गांव है, ये गांव भी मिसिंग गांव है ये सब, और मिसिंग कम्युनिटीज लोग ऐसे रहते हैं चांगघर बना के। तो ये जो चांगघर दिखाई दे रहे हैं ये सब सब मिसिंग कम्युनिटी के हैं। और इसके बाद आएगा आसामीस घर, तो हर तरह के ट्राइब रहते हैं यहाँ पे। हाँ, मोस्टली यहाँ के जो ट्राइब है वो बेसिकली दे ऑल आर फ्रॉम परमानेंटली, मतलब आसाम से ही है लोग, मतलब माइग्रेंट यहाँ पे बहुत कम है। तो इसलिए रहने, मतलब यहाँ का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, बहुत सालों से जो चलता आ रहा है वो अभी तक वैसे ही है, मतलब काफ़ी हद तक सही है यहाँ पे। तो इसलिए लोग आते हैं यार। अभी एक ग्रुप मिला मुझे केरला का, तो वो लोग भी आए हैं माजुली को एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा लगता है यार ऐसे लोगों को मिलके। और असमीज गाना सुन सुन के जा रहा हूँ अभी, देखते हैं अभी कितना सा टाइम लगेगा पहुँचने के लिए मुझे। लगभग यहाँ से और तगड़ा वाला एडवेंचर हो रहा है यार, मैंने खो गया यार गूगल, पता नहीं क्या हो गया, उल्टा पुल्टा दिखा रहा है मुझे। फिर लोगों से पूछ पूछ के एक कच्चा रास्ता से आ रहा हूँ अभी। आया पहले इतना बार आ चुका, पता नहीं रास्ता क्या हो गया। मैं एक्चुअली एक गलत वाले रास्ते पे एंटर कर दिया, अभी थोड़ा सा मुझे लॉन्ग कट घूमना पड़ रहा है। अदरवाइज जहाँ पे मैंने स्नैक्स खाया था वहीं से एक रास्ता था, उस रास्ते से डायरेक्ट मैं आ सकता था। बढ़िया रास्ता तो भयानक वाला रास्ता है, और नज़ारे मस्त है यार, देख सकते हैं आप। ये ईटा भाटी है, ये ईटा भाटी, यहाँ पे पूरा ईटा का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो इसलिए रास्ता ऐसा हालत है। अय्या एक हाथ से साइकिल नहीं चला सकता यार, ओ माय गॉड, एनर्जी पूरा ख़त्म। टर्न लेफ्ट बोल रहा, कहाँ से टर्न लेफ्ट यार, है ही नहीं यहाँ पे। तगड़ा वाला सीन हो गया यार, रास्ता ख़त्म हो गया। अभी एक अंकल से पूछा हूँ मैं, वो बोल रहे कि ये छोटा वाला रास्ता जो है इस तरफ से जाते रहो तुमको मिल जाएगा हतरा। अभी पता नहीं मेन रोड कहाँ पे, वापस तो जाने वाला हूँ ना अभी, हालत तो और एनर्जी बचा नहीं जितना ख़त्म हो गया। अभी पीछे मुड़ने का हालत में है नहीं, फिर बोलेगा वहाँ से कहीं और चले जाओ, तो बेहतर है इसी रास्ते को पकड़ के देखते और आगे कितने तक जाते हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए रास्ता, डायरेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन पता नहीं वो डायरेक्शन कहाँ जाते हैं। तो अच्छा यार, हमेशा बाइक लेके आता था तो नेविगेशन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, पता नहीं इस बार साइकिल में क्या हो गया। या अगर ड्रोन होता तो क्या मस्त शॉट आता यार, चारों तरफ मैदान, मस्त वाला शॉट आता। मैं अभी ऐसे रास्तों पे आ गया हूँ और देख सकते हैं कैसा रास्ता है यार। मुझे एक्चुअली ये वाला रास्ता चाहिए था साइकिल चलाने के लिए, मिल गया है, तगड़ा वाला रास्ता मिल गया मुझे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो रास्ता है मुझे ले जाए जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बढ़िया से नहा धो के खाना वाना खाऊँगा और उसके बाद निकल पड़ूँगा थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। Thank you.
देखिए ये ब्रिज है वो, और यहाँ से मैं चलूँगा और मुझे रोड मिल जाएगा। पहुँच गया यार, यही वाला रास्ता है। चलिए मैं मिलके पहले पहुंच लेता हूँ, फिर बात करते हैं। अभी मैं आ गया हूँ अनिति हॉस्पिटल में, और फ्रेश वेश होकर पूरा बढ़िया से धोती वोती लगा लिया हूँ, और अभी जा रहा हूँ नामघर। आज एक्चुअली कुछ प्रोग्राम है, तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम वोग्राम देख के उसके बाद एक गांव में रुकूँगा आज, एक भैया के घर में। यहाँ पे रुक सकता था लेकिन देखता हूँ अभी क्या होता है, बट बहुत ही मतलब आज बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है।